हेलो फ्रेंड्स, सो बहुत टाइम बाद हम व्लॉग बना रहे हैं और हमारे साथ है मिस्टर अरविंद कुमार। अरविंद जी हेलो बोलिए। हेलो। और हम लोग हैं आज कोलकाता एयरपोर्ट पे अपनी ऑफ साइट के लिए। कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट पे। और ये देखिए सबका लगेज है और सब लोग कहाँ पे, सब लोग अभी गायब हो गए सब। और हम लोगों का एक्चुअल प्लान था सुंदरबंस जाने का, बट ड्यू टू सम रीज़न सुंदरबंस ओपन ही नहीं हुआ, तो अब हम लोग कैंसिल कर नहीं सकते थे। तो हम लोग आ चुके हैं कोलकाता। अब हमारा कुछ प्लान वैसा तो है नहीं फाइनल, बट हम पहले जा रहे हैं कहाँ पे? हम पहले जा रहे हैं मौसनी आयर। और ये हमारे तीसरे भाई साहब आ गए हैं प्रभात, एक एक करके सब बाहर आएंगे। अब हम लोगों का जो प्लान है वो है पहले मौसनी आइलैंड, वहाँ पे देखेंगे कितना क्या होता है, कितना अच्छा है क्या है। उसके बाद प्लान है 2 दिन कोलकाता को एक्सप्लोर करने का, पूरा शहर को। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखते हैं क्या करेंगे हम लोग आज। चलिए सूरज जी, एयरपोर्ट पे इतना घना सन्नाटा छाया हुआ है। कोलकाता एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखिए कोई नहीं आपके अलावा, बस हम छिछोरे लोगों के अलावा। देखिए पूरा का पूरा एयरपोर्ट खाली। सुबह के कितने बज रहे? 5 बज रहे हैं। इतना घना सन्नाटा। और ये मिस्टर येशु और मिस्टर चौहान आ गए हैं अपना कार्यक्रम करके सुबह का। मिस्टर येशु की पहली ऑफ साइट है हम लोगों के साथ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। शुरू होने वाली है आपकी ऑफ साइट नंबर 1। और चौहान को समंदर में धकेला जाएगा अगर आज बैलेंस शीट साइन नहीं हुई तो। तो पहले ग्लिम्स कोलकाता शहर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के बाहर आ गए हम लोग। और वैसे ही हमारी जो ट्रिप अनप्लान्ड हो गई थी उसमें और एक झटका। हमने जो 2 गाड़ियां बुक करी थी उसमें से एक गाड़ी का अभी अवेलेबिलिटी बताई गई है कि वो है नहीं, कस्टमर ने अभी तक वापस नहीं किया। तो अब हम देख रहे हैं, जूम कार के थ्रू हमने बुक करी थी तो एक गाड़ी तो अवेलेबल है, दूसरी गाड़ी का पता नहीं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। लग रहा है यहाँ पे भी कुछ डिले होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने कोलकाता में। सुबह 6 बज रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है बट उमस बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे सारे जोशीले बंदे बैग्स तैयार हैं बट गाड़ी नहीं है। बताइए क्या किया जाए। ये हमारे बेरोजगार पीड़ितों को देखिए बेचारे अफसोस मनाते हुए कि कब गाड़ी आएगी, कब हमारी ऑफ साइट शुरू होगी बेचारे। और ये देखिए एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन बनाने वाले लोगों को अपना मुंह छुपाते हुए, बट कुछ नहीं होगा। ये पूरा अच्छा खासा एयरपोर्ट था, उसको रेलवे स्टेशन बना दिया इन्होंने। इसमें इसका जिम्मेदार खाली जूम कार है और कोई नहीं। गाड़ी आएगी नहीं तो ये लोग धरने पे बैठ गए, भूख हड़ताल भी कर देंगे थोड़ी देर में नहीं आई तो। क्यों चौहान? हमारे पढ़े लिखे तिहाड़ी मजदूर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए इन्हें उठा के ले जाए। कैसी लग रही है आप लोगों को ऑफ साइट? मज़ा आ रहा है? यहाँ पे लॉकडाउन हो गया मिस्टर रवि, बहुत मज़ा आ रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे लॉकडाउन हो गया और हम लोग अपने अपने प्रदेश जाना चाहते हैं, हमें यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिलती। तो आप सोनू सूद को कॉल करिए, हमें मत बसा पड़ा। और मिस्टर रवि को भी ले जाइएगा सोनू सूद के साथ, हम आपको मिलते हैं आपके प्रदेश में वापस सुबह 7:40 के। और यहाँ से अभी हमें 4 घंटे 37 मिनट दूर जाना है, 138 किलोमीटर का रास्ता है टू द मौसनी आइलैंड। Thank you.
लोग पहुंच गए हैं कौन से घाट पे, कोई घाट है सेंग, सेंग का वहाँ पे पहुंच गए हैं और हमें इस घाट से जाना है इस सैंड कासल बीच कैंप पे। तो अब हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लेट लतीफ़ों का जो अभी तक आए नहीं है और हम लोग फाइनली पहुंच गए। और मिस्टर रवि जी बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, बहुत निराश हुए, बट अब पहुंचने के बाद कैसा लग रहा है? दिल खुश हो गया बहुत। अब और दिल खुश होगा थोड़ी देर में, अब इंजॉय करेंगे, अब इंजॉय का टाइम शुरू हो गया। तो ये पूरा गांव के बीच में एक घाट है, अभी घाट में जाएंगे, घाट थोड़ा आगे है, बिल्कुल ही प्रॉपर गांव है, छोटी रोड, बहुत सारे तालाब। ये देखिए कि ये तालाब। यू लाइक एडवेंचरस ट्रिप्स तो मौसनी आइलैंड आइए, अगर यू डोंट लाइक एडवेंचरस ट्रिप इन द सेंस पहुंचना ही एडवेंचर, बहुत बड़ा, बहुत ही मस्त सी लोकेशन है ये। अभी घाट की ओर हम गए नहीं हैं। तेरा मौसनी आइलैंड जाने का घाट, क्या नाम है इस घाट का? यीशु कहाँ गया? यीशु, अबे यीशु कहाँ गायब हो गया? हुडकुर करके कुछ ऐसा करके नाम है इस घाट का। ये घाट है, यहाँ से बोट जाएगी मौसनी आइलैंड के लिए। दूसरी साइड दिख रहा होगा आइलैंड, वहाँ पे देखिए इस टाइप के कैंप्स हैं रहने के लिए। हम लोगों ने भी एक कैंप बुक किया। क्या नाम है इस घाट का? हुटकुट कुछ करके घाट का। और ये यहाँ की कोई लोकल डिश है, क्या नाम है भैया डिश का? क्या नाम है इसका? प्लेट। अरे प्लेट नहीं, घुगनी मुड़ी। तो भैया घुगनी मुड़ी बनाएंगे। और ये हम लोगों की बोट, यही है ना हम लोगों की बोट? यही है, ये नहीं है? अरे तो लेके भी तो वापस तो जाएगा। ये हम लोगों की बोट आ गई है जिसमें हम लोग जाएंगे मौसनी आइलैंड। तो बाइक लेके आए हैं भाई सब। कैसा रहा एडवेंचर? अभी तो हमारे एडवेंचर की शुरुआत है। अच्छा, अभी वहाँ जाके अभी तक जो 150 किलोमीटर वो रोलर कोस्टर किया उसका क्या कहना है? वो तो बहुत मजेदार था, लाइफटाइम एक्सपीरियंस याद रहेगा। असली एडवेंचर शनिवार को शुरू है। अच्छा, अरविंद जी का। ओहो, हम लोगों का तो शुरू हो चुका है। नीरज कैसा रहा अभी तक का एडवेंचर? याद रहेगा, उधर से नहीं आएगी, आ जाओ। 3 घंटे वेट करना गाड़ी। ये हम लोगों की बोट स्टार्ट हो चुकी है एंड वी आर ऑन द वे टू मौसनी आइलैंड। आ चुके हैं दूसरी साइड उजित्तर घाट से, अब मौसनी आइलैंड के तट पे। और ये हमने रख लिया पैर मौसनी आइलैंड पे। भाई कितना टाइम लगेगा कैंप पहुंचने में? कैमरामैन देख के बोलो कितना टाइम? 40 मिनट। 40 मिनट और बताइए, 40 मिनट और रिएक्शन फ्रॉम मिस्टर प्रभात। भाई लोगों टोटो में 40 मिनट बैठना है हमें। इट विल डिपेंड अपॉन सीइंग द कैसल। भाई साहब ऐसे ऐतिहासिक जर्नी तो
पता नहीं कितने देश हो गए घूम लिए, बट ऐसी ऐतिहासिक जर्नी वाह। अभी तक तो मैं यूएस के 2 चक्कर लगा चुका होता भाई साहब। 40 मिनट टोटो में टू रीच आर फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब हमें 13 घंटे हो चुके हैं, अभी 1 घंटा और लगेगा। और ये हम लोग चल पड़े, ये फाइनली हमारा फाइनल व्हीकल है, साधन। पहले कैब, फिर प्लेन, फिर दोबारा जूम कार। जाओ धीरे धीरे। कैसे उतार दिया गया है सूरज भाई साहब को, एक्स्ट्रा बोझ बन रहे थे वो। सूरज इतना वजन क्यों करा है तुमने अपना? अरे हड्डी दर्द कर रही है, हड्डी हड्डी बढ़ गई। सन कैसल बढ़िया है? हाँ बढ़िया, एक नंबर कैमरा सबसे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ। तो यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए बोट से ही जा सकते हो? रोड नहीं है कोई भी? नहीं। और पेट्रोल कैसे आता है यहाँ बोट से? पेट्रोल और डिब्बा से आता है। अच्छा, ये बोट पे ही आता होगा ना? हाँ, रेट ज़्यादा लेता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती करते हैं? हाँ, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। किस चीज़ की? चावल की। हाँ, ज़्यादातर लोग चावल की खेती, और वो भी करते हैं फिश की। इसमें सब फिश है। ये देखो फिश फार्मिंग हो रही है यहाँ। तो यहाँ फिश और ज़्यादातर चावल की खेती की जाती है। देखो हर आदमी का एक फिश पॉन्ड है यहाँ। क्या बात है भाई, हर आदमी का एक खुद का मछली घर है यहाँ पे। और नहीं तो क्या। ये देखो हर घर के आगे एक फिश पॉन्ड है, मतलब पाला ही है। हाँ, पाल रखा है। इनके अंदर मछली है क्या? हाँ, मछलियाँ पाल रखी हैं इनके अंदर। हर घर का खुद का है। यहाँ पे बिजली आती है पूरे दिन? हाँ, पूरा दिन बिजली रहती है भाई, पूरा दिन बिजली आती है। क्या बात, कॉपर का केबल है ना? अच्छा, कॉपर का? तो कॉपर का है। अच्छा, यहाँ स्कूल वगैरह सब है? हॉस्पिटल? स्कूल, हॉस्पिटल एक छोटा सा हॉस्पिटल है। ओके, वो बड़ा हाई स्कूल है। अच्छा, छोटा छोटा बहुत स्कूल है। ओके, कितने लोग रहते हैं साइलेंट पे? इधर पे मोट 40,000। 40,000? अच्छा जी, फिर तो बड़ा आइलैंड है ये। 40 आइलैंड से बात चाहिए। अरे पानी से घिरा हुआ है ना चारों तरफ से। हाँ, ये आइलैंड ही है। तो यहाँ पे खाली बोट से आ सकते हैं, रोड नहीं है कोई कनेक्टेड। नेता तो वही बंगाल का नेता, यहाँ का नेता। ओ भाई साहब, ओ ओ हो, ओ तेरी चौहान, पेट बचा के। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी मछली उगाते हो आप? हिलसा? तो बंगाल का मछली है ना, पोना। पोना? अच्छा, पोना भेटकी। अच्छा, काटा होता है उसमें? हाँ। कोलकाता में तो हिलसा बड़ी फेमस है, वो नहीं उगती यहाँ?
सारे कैंप्स हैं। हम लोग जा रहे हैं जो भैया ने बताया यहाँ का बेस्ट कैंप है। ये सब कैंप है? हाँ, ये सारे कैंप हैं। फाइनली 2:10 पे 23 सितंबर 2021 को हम पहुंच गए हैं अपने सैंड कासल कैंप पे। उन दूसरा आ गया, दूसरी मोटर। ये देखिए, ये हमारा कैंप है सैंड कासल बीच का। सैंड कासल बीच कैंप। ये चौहान जी और ये कमरे हैं जो लोकेट, और ये रहा समुद्र का व्यू। बेड, छोटा सा मड हट, और ये बाथरूम। दो बंदे रह सकते हैं ना इसमें? तीन रहेंगे, तीन हर उसमें। हाँ, कैसा लगा यहाँ पहुँच के? बहुत अच्छा। ना प्रभात अपनी असली राय। अरे मलाई तो मैंने खाई नहीं, मैंने तो फेंक दी। बताओ मेन चीज तो तुम फेंक दे रहे हो यार। मलाई निकाल देना, मुझे भी खानी है। और ये हम लोगों का लंच टाइम लंच लग रहा है। खीरा नहीं, प्याज दो भैया, दो प्याज और नींबू, दो नींबू देना। और ये हम लोग बैठ रहे हैं लंच पे, चावल। अब आ रही है दाल, और ये देखिए कोलकाता बंगाली दाल जिसमें किशमिश भी है, काजू भी है। अभी और चीज़ें भी आएंगी। कैसी लगी? अच्छी है, मीठी मीठी दाल। दाल थोड़ी मीठी है बट अच्छी। और ये क्या चीज़ है? नहीं, आलू का, ये आलू का पापड़, आलू का भुजिया। वाह, ये आलू के भुजिया डाल के खाई जाती है। अच्छी है। ये क्या सब्जी? किस चीज़ की? मिक्स सब्जी। खाना तो मस्त है। और ये आई चिंगड़ी मलाई कढ़ी, बढ़िया चीज। चिंगड़ी, चिंगड़ी मलाई करी यानी प्रॉन। ये देखिए प्रॉन। और ये रही लास्ट आइटम फिश, कतला फिश। कैसी है कतला? बढ़िया, मस्त। और हमारे बगैर ही डीजे पार्टी पकौड़े गए। अरे कोक वोक नहीं है कुछ? हाँ,
पंजाबी की पार्टी, बीच के किनारे डीजे के साथ। मॉर्निंग, सो ये सेकेंड डे हमारा मौसनी आइलैंड पे। सुबह का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं अराउंड 10। और ये देखिए सब, ये चौहान अपना फ़ोटो शूट कराते हुए, मिस्टर मयूर दी फोटोग्राफर। और ये हम लोगों का नाश्ता है, ये देखिए, ये है लूची, बंगाली पूड़ी, आलू और छोले और अंडा। कैसी लगी लूची? बहुत अच्छी लग रही है। और हम लोगों ने मैगी भी बनवाई है, मस्त यहाँ पे बैठ के मैगी खाएंगे। और ये आ गई है हमारी चाय, और दे दो। नहीं बहुत है यार, सुबह सुबह नाश्ते के साथ चाय। और ये दूसरा फोटो शूट हो रहा है, देखिए लोग शर्मा गए फोटो खिंचाने में, नहीं शर्मा रहे वीडियो में शर्मा रहे। सुबह कहाँ गए थे, कहाँ पधारे थे आप? यहीं पे थे सर, उधर नहाने गए थे। ये देखो आगे तक गए थे, जब पानी पीछे था सुबह 6 बजे। इस वक्त गर्मी ज़्यादा हो रही है, उमस भी। अब हमारा यहाँ से प्रस्थान का समय हो गया है, तो सब लोग अपने बैग पैक करके निकल रहे हैं कमरों से, और हम जाएंगे। और इन्होंने हमारी बहुत खातिरदारी करी, 240। थैंक यू भैया सो मच। इसको नारियल के पैसे करवाओ सर। अरे नारियल के पैसे दो, कहाँ है प्रभात, कहाँ गया? हाँ हम जा रहे हैं। और ये निकल रहे हैं मिस्टर रवि अपने खोपचे से, अब घर जा रहे हैं। और हम लोग
अपना सन कासल कैंप से विदा होते हुए। अब हमें यहाँ पे उतार दिया एक जगह पे, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस बांध के उस साइड है मैंग्रोव, बट अभी बहुत ही कम है, बिल्कुल घने नहीं है। नहीं नहीं ऊपर नहीं, ठीक है। ये सब मैंग्रोव है यहाँ के। अच्छा जी, बट ये बहुत ही ऐसा कोई खास मैंग्रोव नहीं है, इससे बढ़िया मैंग्रोव के जंगल देखे हुए, बिल्कुल घने वाले, तो बिल्कुल ही सूखा हुआ मैंग्रोव है। तो अब हम लोग वापस जाते हुए कौन से घाट, हुजैतरा घाट। सब लोग मौसनी को बाय कर दो, बाय। चलो इधर खड़े होकर बाय करो सब। अब तो अंदर करो, बाय करो। चलो उसको मौसनी आइलैंड को बाय। बाय मौसनी।